चुनावी आयोग ने भी काफी हरकत के बाद सारे अब तक की इन टीएमसी पार्टी की गुंडों के सारे जो कारतूत थे उनको विफल करने में सक्षम हुई। आगे क्या स्थिति आएगी मैं तो अभी इसी वक्त कहने की स्थिति में नहीं हूं। अब तक की स्थिति ऐसा है कि चुनाव हो रहे हैं लेकिन कई कई बूथे हैं जैसे कि बेलडांगा बोलकर एक जगह है मिर्जापुर, ये बड़ा खतरनाक जगह है और बरुआ की दो चार जगह और सालार की एक दो छोटे छोटे पॉकेट में ये सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ गुंडों ने बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यूसुफ पठान के प्रति ममता बनर्जी की जरा सा उनको सम्मान देने की जरा सा उनकी मंशा रही, अगर रही थी तो उनको राज्यसभा में ला सकते थे, सीधा एकदम बहरमपुर लोकसभा में उनको लाकर ममता बनर्जी उनका यही मंशा थी, मकसद यही थी कि मुसलमान वोटों में विभाजन हो। मुझे हराने के लिए दीदी ने एक क्रिकेटर को इस्तेमाल किया जिनका हारना बिल्कुल तय है। अब तक मेरा लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कोई बड़ा घटना नहीं घटी, छोटे मोटे दो चार जगह एजेंट वालों को घुसने नहीं दिए गए थे, कहीं कई जगह एजेंट को धक्के मार के निकाले भी गए थे, लेकिन तुरंत हमारे पार्टी और हमारे सारे कार्यकर्ता उनकी सक्रियता की बदौलत हमें तुरंत सारे खबर चुनावी आयोग को हम लोग बताया और चुनावी आयोग ने भी काफी हरकत के बाद सारे अब तक की इन टीएमसी पार्टी की गुंडों के सारे जो कारतूत थे उनको विफल करने में सक्षम हुई। फिर भी शुरू हुई धीरे धीरे, आगे क्या स्थिति आएगी मैं तो अभी इसी वक्त कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि चुनाव आयोग काफी सक्रिय है, ये तो मैं जरूर कहूंगा, जहां जो देखते हैं जरूर कहूंगा। ये अब तक की स्थिति ऐसा है कि चुनाव हो रहे हैं लेकिन कई कई बूथे हैं जैसे कि बेलडांगा बोलकर एक जगह है मिर्जापुर, ये बड़ा खतरनाक जगह है और बरुआ की दो चार जगह और सालार की एक दो छोटे छोटे पॉकेट में ये सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ गुंडों ने बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे एजेंट अंदर जाएं और बैठे रहे, और सत्तारूढ़ पार्टी की और एक मतलब सुविधा ये होती कि उन काफी ये निर्दलीय प्रार्थी को उन्होंने खड़ा किए हैं जिनके चलते उनकी अपना अपना एजेंट की संख्या भी बढ़ चुके हैं, वो बूथ के अंदर ज्यादा एजेंट रहते हुए वो बूथ के अंदर गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो एजेंट वहां है वो सारे इन लोगों को सारे साजिशों को सारे इन लोगों को नाकाम करने में अब तक तो सफल रही। क्या चुनाव शांत रहेगा? अब मुझे तो ये उम्मीद है, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि हमारे चुनाव आयोग की जो सक्रियता हमें देखने को मिलते हैं इसमें चुनाव जरूर शांत रहेगा और आम लोगों की वोटदान करने की मौका मिलेगा, ये मुझे लगता है। अब तक के हालात बता सकते हैं, आगे क्या होगी अब जब रहोगे मैं बोलते रहूंगा। यूसुफ पठान एक बड़े क्रिकेटर है, श्रीलंका में खेल रहे हैं, अगर यूसुफ पठान के प्रति ममता बनर्जी की जरा सा उनको सम्मान देने की जरा सा उनकी मंशा रही, अगर रही थी तो उनको राज्यसभा में ला सकते थे, सीधा एकदम बहरमपुर लोकसभा में उनको लाकर ममता बनर्जी उनका यही मंशा थी, मकसद यही थी कि मुसलमान वोटों में विभाजन हो, ध्रुवीकरण हो। देखिए मोदी जी और बीजेपी पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ये सारे देशवासी को नहीं सारे दुनिया को पता है, पहले देशवासी को पता चलते थे, अभी दुनिया कह रहे हैं कि मोदी जी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सियासत करते हैं। लेकिन बंगाल के जो अग्निकन्या ममता बनर्जी वो भी मोदी जी के पीछे नहीं रही,
वो मोदी जी के साथ साथ ये भी कहने लगी कि हम भी किसी से कम नहीं जब तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति की सवाल हो। वो मुर्शी बहरमपुर मुझे हराने के लिए एक व्यक्ति को लाए और जो व्यक्ति अब तक एक शब्द मोदी जी के खिलाफ और गुजरात में गोधरा बिल्किस बानो के जो मुद्दा एक बात उनको जुबान से नहीं निकले, उल्टे वो कहते हैं कि मोदी जी के लिए उनके गर्व महसूस होते हैं। तो पता चलिए पता लगाइए कि ये मोदी जी और दीदी की सेटिंग के अलावा और क्या हो सकते। इसीलिए मुझे हराने के लिए दीदी ने एक क्रिकेटर को इस्तेमाल किया जिनका हारना बिल्कुल तय है। नंबर वन। नंबर टू, टीएमसी पार्टी एक तरफ कह रही है कि हम लोग मुसलमान तुम इतने बार बार तुम दादा को वोट दे भाईजान को वोट दो, दूसरी तरफ हिंदुओं को ये सलाह दे रहे हैं ये टीएमसी पार्टी कि हिंदू तुम सारे बीजेपी को वोट दो क्योंकि पठान हारेगी। तो ये जो दो मुहिया राजनीति टीएमसी पार्टी ने किए हैं सारे यहाँ के लोगों को पता चल गया। देखिए हमारा डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद, यहाँ सांप्रदायिक राजनीति की कभी सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए ये मुर्शिदाबाद जिला हो सकता ये माइनोरिटी डोमिनेट डिस्ट्रिक्ट जरूर है, संख्यालघु अधूषित इलाका जरूर है, 70% मान लीजिए संख्यालघु यह रहते हैं, मतलब अल्पसंख्यक जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं वो बंगला में हम संख्यालघु कहते हैं, अल्पसंख्यक को संख्या तादाद हमारे डिस्ट्रिक्ट में अल्पसंख्यक की तादाद लगभग 70%। अच्छा, सारे हिंदुस्तान में पर्सेंटेज की मतलब आंकड़े के हिसाब से सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं कश्मीर की अनंतनाग जिला में, उसके बाद एब्सोल्यूट टर्म में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद में। फिर भी ये डिस्ट्रिक्ट में मैं दिल्ली से ब्राह्मीण पुत्र प्रणब मुखर्जी को लाए थे और जंगीपुर क्षेत्र में उनको उतारे गए थे, आपको सारी शायद जानकारी है, वो और वो एक मुसलमान उम्मीदवारों को हरा के हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे पहली बार वो नुमाइंदे बन सके। तो इसलिए मुर्शिदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ के आम लोग सांप्रदायिक सोच को कभी ये मान्यता नहीं देते, सांप्रदायिक सोच को ये बार बार नकारते रहते। फिर भी ममता बनर्जी की कोशिश रही कि कम से कम अधीर चौधरी तो हारे, चाहे इसके बदले अगर बीजेपी जीत जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ते। इसलिए एक पार्टी जो पठान के लिए भाई को वोट दो दादा को हराओ एक नारा लगाते हैं, वो पार्टी हिंदू एरिया में जाकर ये कहते हैं कि मौका मिले है पठान हरेगी, अभी बीजेपी को जीतने का बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गए। तो यही दो मुहिया राजनीति बंगाल के लोग जानकारी में लाए और साथ साथ मुर्शिदाबाद के लोग की तो पता चल गई।